आप देख रहे हैं दस्तक। परसों ही की बात है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थ्री इडियट्स फिल्म देखने गए थे, जिसमें गाना है ऑल इज वेल। मगर जाहिर सी बात है कि इस वक्त जनता दल यूनाइटेड में जो चल रहा है वो ऑल इज वेल तो किसी भी सूरत में नहीं कहा जा सकता। जनता दल यूनाइटेड के अंदर मची है खींचतान, और पार्टी नेता लल्लन सिंह जो बेहद करीबी माने जाते हैं, माने जाते थे नीतीश कुमार के, वो शरद यादव के मनाने के बावजूद इस्तीफा उन्होंने दे दिया। जनता दल यूनाइटेड की कलह सतह पर आ गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मतभेद के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी में लोकतंत्र खत्म होने का आरोप लगाते हुए पार्टी प्रमुख शरद यादव को इस्तीफा सौंपा। मैंने अपने इस्तीफे को उनको सौंप दिया है। शरद जी का कहना था कि 10 दिन हमको समय दीजिए। हमने उस पर भी उनसे आग्रह किया है कि इसको तत्काल प्रभाव से आप स्वीकार कर लीजिए। हालांकि शरद यादव ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया है और उन्हें प्रदेश पार्टी अध्यक्ष के रूप में काम करते रहने की सलाह दी है, मगर ललन सिंह भी अपने इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे पार्टी का अंदरूनी मसला बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। हमने बिहार में ऑल इज वेल का आप लोग गौर से सुना करिए, आपने समझिए बिहार ऑल इज वेल है तभी पार्टी बिहार के बाहर है। पटना से कुमार अभिषेक के साथ आशीष जोशी, दिल्ली आज तक।